राधे राधे। और हम चले अभी रात को घूमने, बारिश तो हो रही है तो दोनों बच्चे को छोड़ेंगे रूम में और हम दोनों जाएंगे घूमने। क्या बोले पतिदेव? आप अपने फोन में गूगल निकाल के दीजिए। जाते हैं उधर ये अपने जल। तो गाइज फाइनली हम लोग घर से निकल गए थे दीपा की रानी की रेस्टोरेंट में, बस अब जा ही रहे थे और इतनी बारिश हो रही हुई थी और उस समय जब मैं जा रही थी तभी झिपट झिपट चल ही रही थी, तो इसलिए मैं बच्चे लोग को छोड़ के आना पड़ा मुझे। तो अभी मैं ये चौराहा से सीधा रास्ता जा रहा है, कहीं भी हमें टर्न नहीं होना है, बस सीधा चले जाते हैं। तो जो लोग यहाँ के हैं उनके लिए है ये, खासतौर पे वो लोकेशन देख के जा सकते हैं जो किधर जाना है हमें। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम कौन से जगह पे हैं। और बारिश की वजह से बार बार कैमरा भी मुझे बंद करना पड़ रहा था, जो कहीं मोबाइल ना मड़ी ख़राब हो जाए। उसकी उतनी ज़ोर की अभी नहीं हो रही थी बारिश, लेकिन हाँ धीरे धीरे हो रही थी, बंद भी नहीं थी। और ऐसे करके बस अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बच्चे के लेके जाओ, बच्चे को ज़्यादा इच्छा था, वो ज़्यादा एक्साइटेड थे जो मम्मा मैं भी जाऊँगी। तो मैं सोच रही थी बच्चे अगर जाते साथ में तो फिर ज़्यादा हमें अच्छा लगता, लेकिन बच्चे को नहीं लेके गए तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था। बस करते तो क्या करते, एक मजबूरी थी हमारी जो हम बच्चे को छोड़ के बारिश में जाते। ऐसे ढूंढते फाइनली यहाँ पर हम लोग पहुँच गए लजीज पिज्ज़ा के पास, आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर में कौन कौन है थोड़ा सा देखते हैं। तो वाह कितना अच्छा डेकोरेशन किया बहुत ही अच्छा से सजाया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। और फाइनली हम लोग रेस्टोरेंट या जो भी बोलो ढाबा ये जो भी बोलते हो वहाँ पे फाइनली पहुँच गए हैं। यहाँ पे दीपा के पापा जी हैं, अंकल आए हम लोग से बात किए और बैठने के लिए बोले, फिर हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर मीनू देख के बैठे। अंकल फिर मेरे से पूछ रहे थे बच्चे लोग को क्यों लेके नहीं आई, तो फिर मैं बताई जो बाहर में अंकल बारिश हो रही है इसकी वजह से मैं नहीं लेके आई हूँ। और यहाँ पे एक बज रहा था गाना, तो गाना की वजह से मुझे थोड़ा सा ये सब बंद करना पड़ा है। यहाँ पर मैं ऐसे वीडियो अपना बना रही थी, दीपा मेरे से बोली थी पूरा अच्छे से वीडियो बनाना, बस कोई है नहीं तो थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था, इसलिए मैं पूरा अच्छे से तो वीडियो नहीं बनाई हूँ, बस थोड़ी बहुत ऐसे रिकॉर्ड कर ली हूँ। और फिर उधर से उनके भैया कुछ मेरे से बोल रहे थे, ये दीपा के बड़े वाले भैया जो कि कैप लगा के रखे थे अभी, तो अच्छा लग रहा था, वे पहचान की है। चलो रेस्टोरेंट खुल गया, जब भी इच्छा करेगा जा सकते हैं, या फिर ये पूरा पैक करा लिए हैं। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ लजीज पिज्जा से अपने हाउस की तरफ। नहीं जी भिंग गया क्या सीट? इंटरेस्ट का सारा पैसा उड़ गया, देखते हैं उसका लोग क्या करता है, क्या पता। खोलो, आ गया, देखो क्या है, टन टनन, खुश मेरी बच्चा, टन टनन। ये रख दीजिए फ्रिज में। लेकिन वो कहाँ है लड्डू? इसमें क्या पैक है? वो स्टिक चम्मच। इसमें क्या दिया है? क्या आ गया सानवी के लिए। अच्छा ठीक हो जाएगा, सानवी खाएगी लजीज पिज्जा का। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे, तो कल रात में हम लोग इतना ना दीपा के होटल का पिज्जा खा लिए, सॉरी क्या खाए थे हम लोग? बिरयानी खाए, जो नशा चढ़ गया था, नशा चढ़ के सो गए। और यहाँ पे मानवी का बाल ऐसे है, इसका बैंड छीन के मैं लगा ली हूँ, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, बताना आप लोग। मम्मी देखो बच्चे का चीज छीन लिया। नहीं छीने नहीं, ये नहीं लगाई है तो मैं लगा ली हूँ, मैं झूठ का बोली, ये सपोर्ट कर दी इसने, आ गई कंप्लेन मम्मी का देने। ये बेटी मेरी बहुत प्यारी है लेकिन प्यारी दिखती नहीं, अपने आप को लुक बच्चा बना के नहीं रखती है। और वो जो है चूहिया। अच्छा चलो छोड़ो ये सवाल। तो गाइस कल हम गए थे दीपा के रेस्टोरेंट, बहुत दिनों से वो बुला रही थी मुझे, मैं जा नहीं पा रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई वहाँ पे क्योंकि दीपा के हस्बैंड तो आए थे लास्ट, बाद में उनके पापा थे,
तो सब लोग यहाँ पर मुझे उनके घर में, उनके फैमिली के हर एक लोग मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, हम दोनों की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। तो अगर जो लोग जाना चाहते हैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, मैं ऐसे वीडियो डाली हूँ तो आप लोग देख के समझ ही जाओगे जो कहाँ पे हैं। तो जाइए एक बार ज़रूर लजीज पिज्ज़ा, अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे ना लजीज पिज्ज़ा, आप जहाँ पे हैं वहाँ से लजीज पिज्ज़ा डालिए, आपको लोकेशन पे पहुँच जाइएगा, ठीक है। ज़्यादा हम बहुत दौड़ने की ज़रूरी नहीं होगी, तो एक बार ज़रूर जाइए और वहाँ से लजीज पिज्ज़ा से कुछ खा के आइए, और दीपा रानी के शॉप पे जाके मेरा नाम बोल के आइए। श्वेता, श्वेता ने भेजा है मुझे, चाहे दीपा का नाम ले लो, दीपा को ने भेजा है मुझे, तो कुछ मिल जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, मेरा नाम लोगे तो कुछ 2-4% मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फ्री डिस्काउंट। हाँ, डिस्काउंट मिल जाए। तो खैर चो कोई नहीं, तो जाइए आप लोग भी एक बार ज़रूर जाके वहाँ से, पिज्ज़ा बर्गर क्या क्या है बहुत सारा आइटम है, तो खा के आइए। मैं भी उस दिन मैं नॉनवेज आइटम लेके आई थी और मानवी को पिज्ज़ा खाना है, तो देखते हैं, उस दिन तो मौसम ख़राब हो गया तो हमारी बच्चे दोनों नहीं जा पाई हैं, तो आज शाम को जा, कैसे जाएंगे शाम को? शाम को तो मानवी को होगा डांस क्लास, साथ में जाएंगे डिनर पे, डांस क्लास के बाद होगा ट्यूशन, ट्यूशन के बाद कैसे जाएंगे? डिनर पे जाएंगे, डिनर पे नहीं, आज घर में ही खाना बनाएंगे, कल जन्माष्टमी है ना। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हम इस वीडियो को कर दे रहे हैं एंड। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक कमेंट कीजिएगा और प्रेम से बोलिए क्या बोलिए, राधे राधे। तभी मानवी एक गाना सुनाएगी, थोड़ा सा सुना दो। कितना प्यारा है सिंगार की तेरी ले हो नजर उतार, कितना प्यारा है ओहो सावड़िया तुमको किसने सजाया है, तेरा सुंदर सा सुंदर चेहरा चमकाया है, और कितना प्यारा है सिंगार की तेरी ले हो नजर उतार, कितना प्यारा है ओहो कितना प्यारा है सिंगार की तेरी ले लो नजर उतार, कितना प्यारा है। हमारे सारे गुस्सा हो गए, कौन सी गई गुस्सा हो खिलाने, वो क्या ले लेगा बेटी, पैर पे ठंडी लग रहा है, ये मार खा अभी पहले उसको ठंडी लग रहा है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। कल है जन्माष्टमी, तो कल मैं और मानवी बहुत सारा भजन गाऊंगी एक साथ, दो माय बेटी, तीनों माय बेटी गाएंगे, सानू भी गाएगी, ठीक है। कल मैं फास्ट करूंगी, फास्ट करूंगी, ये बउआ है अभी, आप बउआ है, बउआ क्या है, बउआ वो ठंडा लगे पैर में, देखो क्या गोदरे से निकाल रही है। तो चलो गाइस, फिर मिलूंगी कल, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर करो, देखो गोदरेज खोल के सामने कुछ ले रही है। तो चलिए गाइस, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दिल से लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा, और हमारी मानवी का सॉन्ग कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, तोड़ दीजिएगा, और पूरा सुनना होगा तो हमारा एक और चैनल है मानवी शानवी पारंपरिक गीत, तो वहाँ पे जाइए और हमारा सबका गाना सुनिए।